योग दिवस 2024 को लेकर जयपुर के सेंट्रल पार्क में पीआईबी की ओर से योगाभ्यास कार्यक्रम किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों ने योगाभ्यास करवाया, जहां मीडिया कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। योगाभ्यास कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी शामिल हुई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो उन्होंने पूरी देश में तो है ही, दुनिया में भी योग को ले जा कर के और योग की महत्ता को बताई। आज पूरी दुनिया योग कर रही है और हमारे यहाँ 21 जून जो एक दिन फिक्स किया है योग करने के लिए, पूरे जयपुर शहर में 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए सभी संस्थाएं, पर्सनली भी सब लोग बहुत इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सब मीडिया कर्मी जो तैयारियों में लगे हैं, करें योग और रहे निरोग, इसका संकल्प को लेकर के ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का योग की जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और आज हम योग के 10वें संस्करण में आ चुके हैं। योग तो वैसे हम हजारों वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उसको रेगुलर करना और सही तरीके से करना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए जो मीडिया जो एक स्तंभ भी माना जाता है लोकतंत्र का, उनके सहारे के लिए आज पीआईबी की तरफ से और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से ये योग शिविर का आयोजित किया गया। और बेसिकली जो मीडिया कर्मी हैं, जो हमेशा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं उनका हैम्पर होता है, तो उसके लिए आज यहाँ पर बताया गया कौन कौन सी टेक्निक्स है, किन टेक्निक्स को किस तरीके से सही तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हमने इस योग शिविर में सम्मिलित की हैं।